क्लास 8 चैप्टर 16 प्लेइंग विथ नंबर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 16.2 आई एम रीडिंग क्वेश्चन फर्स्ट इफ 2 1 by 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 यदि ये 9 का मल्टीपल है वेयर y इज अ डिजिट ठीक है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 y की वैल्यू फाइंड करना है ठीक है अब y की प्लेस पर वैल्यू पुट करना है कि वे 9 का मल्टीपल हो कितनी बात समझ आई क्या मल्टीपल 9 का मल्टीपल होना चाहिए तो अभी देखिए 2 1 by 5 गिवन है ठीक है 9 का मल्टीपल बोला गया कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए प्लस करने पर ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देंगे प्लस कर देंगे सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 1 by 5 क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस करेंगे तभी पता चलेगा ठीक है 2 + 1 + y + 5 ठीक है तो इनका प्लस किया तो डिजिट डिजिट प्लस हो जाएंगे 5, 2, 7 and 1, 8 + y + y तो मीन्स क्या है y के प्लेस पर ऐसे डिजिट पुट करना है कि 9 का मल्टीपल हो जाए ठीक है तो 9 के मल्टीपल ये आ रहे हैं गोट इट तो अभी देखिए हैंस x प्लस y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9 तो ये 9 के मल्टीपल होते हैं तो अभी देखिए अब ध्यान से देखना ठीक है ध्यान से देखना ठीक है ये मैंने राइट कर दिया था तो अभी देखिए अब पहले ये देखते जाइए 9 का मल्टीपल होना तो 8 में 1 प्लस करते हैं 1 8 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 8 में अगर 1 प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा ये 9 आ गया तो ये बताइए क्या ये 9 का मल्टीपल है यस ये 9 का मल्टीपल है तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा गोट इट ये पूछा कि y में क्या प्लस करेंगे मीन्स इसमें y की वैल्यू क्या लेंगे कि इसमें प्लस करने पर 9 का मल्टीपल हो जाए ठीक है तो ये देखिए यही क्वेश्चन में ये इस तरीके से ना कि 9 का मल्टीपल है तो y की वैल्यू क्या होगी तो y की डिजिट क्या पुट करना है तो अपन ने क्या पुट किया 1 ठीक है 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 1 = 9 हो जाएगा 9 आ गया तो मीन्स 9 का मल्टीपल है गोट इट अब इसी कंडीशन में सेकंड क्वेश्चन इफ 3 1 z 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 ठीक है अभी देखिए मल्टी सेम कंडीशन है बिल्कुल प्लस करके देखेंगे इसमें वेयर z इज अ डिजिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z अब सेकंड क्वेश्चन में ही राइट करेंगे सम ऑफ डिजिट ऑफ 3 1 z 5 ठीक है यही क्वेश्चन गिवन है तो इसका प्लस कर देंगे 3 + 1 + z + 5 ये भी 9 का मल्टीपल बोला गया पहले ये डिजिट डिजिट प्लस कर देते हैं ओके कितना हो जाएगा ये बताइए 5 5 1 6 6 और 3 9 + z ठीक है अब z की वैल्यू क्या पुट करेंगे हेंस 9 + z शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9 ठीक है अब 9 के मल्टीपल तो होते हैं ठीक है 9 9 2 18 9 3 27 इस तरीके से ठीक है तो मीन्स 9 + z है तो 9 + z में क्या डिजिट प्लस करें कि 9 का मल्टीपल आ जाए ठीक है अब ये देखिए 0 भी प्लस कर सकते हैं इसमें 0 भी कर सकते हैं प्लस 0 प्लस कर दें तो 9 ही आ जाएगा ठीक है तो अब इसमें क्या है 0 9 + 0 9 है ये भी 9 का मल्टीपल इसमें सिर्फ सिंगल डिजिट प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे z सिंगल डिजिट है और फर्स्ट वाले बार सिंगल डिजिट थी इसलिए 9 ही प्लस करते हैं ये 2 डिजिट है इसको नहीं करेंगे प्लस ठीक है मीन्स ये है कि सिंगल डिजिट 9 में 9 भी प्लस कर सकते हैं देखिए 9 आ गया अब इसमें 9 + 9 भी तो कर सकते 9 और 9 18 तो ये 18 भी तो 9 से मल्टीपल हो रहा है ठीक है 18 9 से मल्टीपल हो रहा है तो अभी देखिए तो वैल्यू क्या आई तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0 और 9 क्योंकि यहाँ पे 0 और 9 दोनों पुट करने पर 9 के मल्टीपल हो सकते हैं ठीक है अब उनके यहाँ पे सिंगल डिजिट पुट करना है गुड इट क्योंकि यहाँ पे z सिंगल डिजिट है और आगे प्लस नहीं करेंगे ओके अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या इफ 2 4 24 x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 अब क्या पूछा गया क्या 3 का मल्टीपल है वेयर x इज अ डिजिट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x x की वैल्यू फाइंड करना सेम कंडीशन वही है अब इसमें क्या दिया हुआ ब्रैकेट में सिंस 24 x इज अ नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इट्स सम ऑफ डिजिट मीन्स वही हिंट दिए कि इसका प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 2 and 4 6 + x ठीक है और ये नंबर्स हैं 18 तक मीन्स ये 3 के मल्टीपल हैं ठीक है तो इसमें क्या प्लस कर सकते हैं 0 और 3 6 और 9 गोट इट
अभी देखिए सम ऑफ डिजिट ऑफ 24x, सम मीन्स इनका सम कर देंगे 2 + 4 + x, ठीक है। क्वेश्चन में भी हिंट दी गई है 4 कितना हो जाएगा 6 + x, ठीक है। अब राइट क्या कर देंगे, हैंस 6 + x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। अब इसमें किसका नंबर मल्टीपल पूछा गया है, 3 का मल्टीपल, गोट इट। तो अब ये देखिए इसमें 6 + x है, ठीक है। तो मीन्स 3 का मल्टीपल 0, 3, 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, इस तरीके से, ठीक है। अब 6 + x है, ठीक है, एक सिंगल डिजिट है तो मीन सिंगल डिजिट ही पुट करेंगे। 6 + x है तो x की प्लेस पर 0 पुट किया, क्या आएगा यहाँ पे 6, तो ये भी 3 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 6 + 3 प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा, 6 और 3 कितना 9, ये भी 3 का मल्टीपल है, गॉट इट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 भी पुट हो गया, और 3 और 6 भी हो सकती है, 6 12 हो जाएगा तब भी 3 का मल्टीपल है, और 9, गॉट इट। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ 3, 1, z, 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। सेम कंडीशन के सम से हैं, बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसमें z की वैल्यू पूछी गई है। सम ऑफ डिजिट ऑफ 3, 1, z, 5, गोट इट। सम मीन्स 3 + 1 + z + 5, तो ये देखिए क्या हो गया, 5, 1, 6, 6 और 3, 9, 9 + z, ओके तो अभी देखिए अब यहां पे क्या राइट कर देंगे, हैंस 9 + z शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, गोट इट। तो 3 के मल्टीपल वही 3, 6, 9 and 12, गोट इट, ओके। तो अब इसमें क्या क्या मतलब इसमें क्या मल्टीपल हो सकता है, तो जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो अभी देखिए 9 + 9 + अगर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 9 + 0, 9, तो ये भी 3 का मल्टीपल है, सेम कंडीशन जो अभी थर्ड क्वेश्चन किया है, ओके। तो 9 + 3, 9 और 3, 12, ये भी 3 का मल्टीपल, 9 + 6, 15, ये भी 3 का मल्टीपल, ओके। और 9 + 9, 18, ये भी 3 का मल्टीपल, तो जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 3, 6, 9, गुड इट। आप इसको एनी वन भी राइट कर सकते हो, गुड इट। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड एंड एक्सरसाइज कंप्लीटेड नाउ। So this was the last question of this exercise 16.2 and of this chapter. Thank you.